बच्चे को वापस ले, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ खुशी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिर भगवान क्या सोचा था और क्या हो गया? फिर क्या उसके बाद? होना क्या था? मैंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी को छेड़ना तुम्हें महंगा पड़ सकता है, और वो लड़का पता है क्या कहता? अरे जा जा, किसी और को झूठा रुआब दिखाना। और इत्तफाक से एक हवलदार वहाँ से गुजरा, मैंने उसे रोका और मैंने उसे कहा कि क्यों भाई, तुम जहीर साहब को जानते हो? वो कहता हाँ हाँ अच्छे से जानते हो, बड़े सख्त ऑफिसर है। मैंने पता है क्या कहा? मैं उनकी बेटी हूँ। उसी समय उसने मुझे सैल्यूट मारा। और आप अब्बू यकीन नहीं करेंगे कि वो लड़का ऐसा गायब हुआ कि पता नहीं दिखा ही नहीं वो। अब्बू मुझे ना शीतल के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? उसका फोन आया था, उसके पापा बजाज अंकल जेल में हैं। क्या? जी वो अकुल ने उन पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाया है, और अकुल के पापा अपने पैसे के बल पर उन्हें बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। कुछ कीजिए ना अबू प्लीज। देखो रुबीना, ये कानूनी मामला है बेटे, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अबू वो बहुत अच्छे इंसान है, दोनों के बीच कुछ गलत फहमी के कारण ये सब हो रहा है। प्लीज, वो शीतल बहुत रो रही थी, कुछ कीजिए ना अबू। ठीक है बेटा, देखो मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा कि वो बाहर आ जाए। खुश जी अबू, आप सबसे अच्छे अबू हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? इस लड़ाई को और बढ़ा रहे हैं आप? अपने रुपयों के दम पर बजाज जी को बंद करवा रखा है आपने, गलत है ये सब। क्या गलत है? बजाज ने क्या किया मेरे बेटे के साथ? गुंडे भेजकर किडनैप करवाया उसने। अगर वो गुंडागर्दी की भाषा समझता है तो ठीक है, मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर दूसरे गलती करें तो क्या हम भी वही गलती करें? तो फिर उनमें और हमने क्या फर्क रह जाएगा? तो क्या करूं मैं, चुपचाप सह लूं? उन लोगों ने हमारी हमारी बदनामी की, मैं चुप रहा। हमारे घर से अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया, फिर भी मैं चुप रहा। मेरे बेटे अकुल को तकलीफ पहुंचाई, मैं चुप रहा। मेरी बेटी तनु की बदनामी उस बजाज की वजह से हुई, फिर भी मैं चुप रहा। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी है, जरा हिम्मत तो देखो उसकी। मेरे बेटे का किडनैप करवाया उसने। बाप के प्यार में इतने अंधे मत बन जाइए कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठिए। जानती हूं मैं अकुल को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकते आप, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब तक तो बच्चे लड़ रहे थे आपस में, लेकिन आप बड़े भी लड़ने लगे। इस लड़ाई को खत्म कीजिए, वरना बर्बादी किसी और कुछ हाथ नहीं आएगा। सच कह रही हूं मैं, बात मानिए मेरी। आइए मिस्टर साहब, ये मिस्टर बजाज, इन्होंने गुंडे भेजकर मुझे किडनैप करवाया था। प्लीज मिस्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए। आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट है, आपको जो कुछ कहना है वो पुलिस स्टेशन चल के कहिएगा। बुआ, बुआ आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने रुबीना से बात की है, वो अपने अब्बू से कहकर पापा को जल्दी छुड़वा लेगी। अकुल और उसके परिवार वालों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ,
वो लोग ठीक नहीं है। किसे गलत कहें और किसे सही कहें बुआ, क्या पापा का अकुल को किडनैप करवाने का फैसला सही था, या अकुल का उन्हें गिरफ्तार करवाना, या फिर विक्रम अंकल का उन्हें जेल में बंद रखवाना? मुझे तो ये सारे फैसले सब कुछ गलत लगता है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस सब के पीछे एक ही वजह है और वो मैं हूं। काश काश कि मैं ये सब कुछ बदल सकती बुआ। लगता है रुबीना का फोन होगा, मैं अभी देखती हूं। विक्रम मल्होत्रा, ये ठीक नहीं किया तुमने, हमारे परिवार को बहुत तकलीफ दी है तुमने। एक बार सुरेंद्र भैया वापस आ जाएं, फिर हम देख लेंगे तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को भी। हेलो, हाँ हाँ रुबीना, क्या हुआ? तुम्हारा काम हो जाएगा, अंकल छूट जाएंगे। मैंने अपने अब्बू से बात कर ली। थैंक गॉड, थैंक यू यार, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान की कोई बात नहीं है, मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा छूट जाएं, तो तुम्हें अकुल को भूलना होगा। तुम मयंक से शादी करो। क्या? ये तो क्या कह रही है रुबीना? सोच लो शीतल, अगर तुम अपने पापा की जिंदगी और खुशियां चाहती हो, तो ये फैसला तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। पापा हो या आपको, फैसला तुम्हारा है। रुबीना ऐसे क्यों कह रही है कि अगर मुझे पापा की खुशियां चाहिए तो मुझे अकुल को भूलना होगा? कहीं रुबीना अकुल से? ओह माय गॉड, सकती थी। क्यों रुबीना, आखिर क्यों? शीतल, क्या हुआ? क्या बात हुई रुबीना से? बुआ जी, सब ठीक हो गया है। रुबीना ने अंकल से बात की थी और जहीर अंकल ने कहा है कि पापा जल्दी छूट जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। रुबीना जैसी सहेली भगवान सबको दे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहे, उसने बहुत किया है हमारे लिए। जी बुआ। शीतल, एक बात का ध्यान रखना, मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। तुम रुबीना से हमेशा दोस्ती बनाकर रखना, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे बहुत ख्याल है हमारा, है ना? जी बुआ। मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। तुम रुबीना से हमेशा दोस्ती बनाकर रखना, वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा छूट जाए, तो तुम्हें अकुल को भूलना होगा। पापा या अकुल, फैसला तुम्हारा है।